जब अपनों पर बात आती है तब अपन की हट जाती है। तो भाई साहब कुछ तो गड़बड़ हो रही है, कुछ ऐसा तैयार हो रहा है जो आज के बाद कभी हुआ नहीं, या फिर कुछ ऐसा फ्लॉप वाला बड़ा तैयार हो रहा है जो आज के बाद कभी होगा भी नहीं। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। 3 दिन से लगातार एक फेस्टिवल के टाइप में इंडियन सिनेमा में एरा चल रहा है। परसों टाइगर 3 का टीजर देखने को मिला और सम बवाल काट के गया। कल एनिमल मूवी का टीजर देखने को मिला जो बाप लेवल का टीजर था। एक्शन मासी रस्टीनेस की पूरी कोई हद पार कर दी, मतलब टॉक्सिसिटी की पूरी हद पार कर दी उसमें तो। लेकिन आज मोस्ट मच अवेटेड मूवी एज यूजुअल लाइक टाइगर 3, लाइक रणबीर कपूर की एनिमल, ऐसे ही टाइगर श्रॉफ की गणपत, इसके लिए काफ़ी लंबे समय से वेट करा जा रहा था। मोस्ट मच अवेटेड मूवी, इसका टीजर आज रिलीज हो चुका है। लेकिन बाय गॉड सारा कुछ बढ़िया है, एवरीथिंग इज फाइन, बट एक चीज़ में ये अगर सच निकल गई वो चीज़ इस मूवी में, तो यहाँ पर ये मार खाने वाली है और बहुत गंदी तरीके से मार खाने वाली है। शुरू में ही बोल दे रहा हूँ VFX के पार्ट में, अगर यहाँ पर ये VFX का पार्ट ये दिखाना चाह रहे हैं स्टोरी लाइन में, ऐसे स्टोरी को कॉम्बो करके, तो यहाँ पर ना ये मूवी होने वाली है ज़बरदस्त तरीके से पिटने वाली है बाय गॉड। लेकिन अगर यहाँ पर ये मूवी का पार्ट, कुछ एक पार्ट होते हैं ना जो एनिमेशन टाइप में चलाए जाते हैं, अगर वो चीज़ अलग देखने को मिली तो यस यहाँ पर मूवी को कोई हार्म नहीं पहुँचेगा। तो यस चलो शुरुआत करते हैं। टीजर कैसा है कैसा नहीं है? टीजर दमदार है, मज़ेदार है, टीजर ज़बरदस्त लगा है। एक्शन में मांस मसाला में कोई कमी देखने को नहीं मिलने वाली है। स्टोरी लाइन एवरेज है, ऐसी बहुत सी स्टोरी लाइन हम आगे भी देख कर आ चुके हैं। टीजर की लेंथ है 1 मिनट 45 सेकेंड की। टीजर कैची है बिल्कुल। तो स्टोरी लाइन की अगर बात करें तो स्टोरी लाइन कोई ऐसी फाड़ू लेवल नहीं है, कोई ऐसी नहीं है कि आपको सोचा ही नहीं होगा यार ऐसा हो जाएगा। सिंपल टाइप का एक कॉम्बो समझ में आ रहा है कि यस एक मसीहा टाइप का अपना टाइगर श्रॉफ बंदा है जो अत्याचार की दुनिया में, जो बहुत ज़्यादा पाप बढ़ गया है, उसको इराडिकेट करने आएगा, उसको बैलेंस करने आएगा। तो वही चीज़ देखने को मिलेगी जो 90s के टाइम पर भी देखने को मिली थी, लाइक अमिताभ बच्चन की अजूबा मूवी है ना। तो बट यहाँ पर क्या है कि यहाँ एडवांसमेंट है, वहाँ पर एडवांसमेंट नहीं थी। ऐसी बहुत सी हॉलीवुड मूवीज़ में भी देख चुके हैं और भी एक साउथ एक मूवीज़ में हम ये चीज़ देख चुके हैं। लाइक हॉलीवुड मूवीज़ की अगर मैं बात बता दूँ तो टर्मिनेटर हो गई है ना, क्योंकि यहाँ पर जो टीजर स्टार्ट हुआ है तो 2070 AD करके लिखा है। इट मीन्स ये कि क्या होने वाला है, या तो फ्यूचर से कुछ कनेक्शन है इसका, अभी क्लियरली उतना पता लगा नहीं है। स्टार्टिंग के रोल में 2070 AD जरूर लिखा है, बट फ्यूचर से कोई कनेक्शन है या नहीं है वो देखकर समझ में आ नहीं रहा है। VFX का कुछ पार्ट डालने की कोशिश करी है, लेकिन अगर ये VFX में स्टोरी लाइन को घुसाएंगे अपनी मूवी की तो यहाँ ना मार खाने वाली है मूवी। बट उस पार्ट को एक एनिमेशन की तरह दिखाएंगे कि यस यहाँ पर अब आगे ये होने वाला है, तो वहाँ पर ऐसा कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। देखो मैं क्यों कह रहा हूँ कि VFX के बारे में मार खा जाएगी, क्योंकि जो एक स्पेसशिप दिखाया है ना PlayStation सी गेम्स के VFX के बराबर है। और दूसरा जो आर्टिफिशियल जगुआर का जो सीन दिखाया है तो वहाँ पर ना ये VFX में जम नहीं रहा है, सीधा साफ समझ में आ रहा है कि यस ये फेक है। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ, अगर VFX में ये स्टोरी लाइन आ गई तो वहाँ पर कहानी थोड़ी ख़राब हो सकती है। लेकिन एनिमेशन के पार्ट के हिसाब से दिखाएंगे कि एक कहानी अलग चल रही है, एनिमेशन की दुनिया में अलग चल रही है, तो वहाँ पर ऐसा कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। दूसरा स्टोरी मसीहा टाइप होने वाली है, ये मैं पहले क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि साफ पता लग रहा है जिसमें जो एक अत्याचार करता हुआ गैंग है जिसने कब्जा कर रखा है। लाइक ये स्टोरी लाइन है बिल्कुल मैचअप खा रही है वो KGF का यूनिवर्स अगर हम देख लें तो, वहाँ पर भी यस जो जाता है एक मसीहा बन के ही जाता है, वहाँ पर कब्जा करके रखता है गरुड़ा जो भी है ना। तो ऐसे ही अजूबा मूवी थी, ऐसे ही और भी है, तो ऐसी बहुत सी मूवी आ चुकी है। तो कहानी में कोई नया कुछ देखने को मिलेगा नहीं, बट ये चीज़ है कि एक्शन में बिल्कुल कमी देखने को नहीं मिलेगी ना टाइगर श्रॉफ की तरफ से। और कृति सनन भी जो इस बार टूट के बरस रही है भाई, ज़बरदस्त लग रहा है ये वाला सीन तो बाय गॉड। तो इन दोनों का ना कॉम्बो देखने में मज़ा आने वाला है। तीसरा डायलॉग डिलीवरी अमिताभ बच्चन की तरफ से बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, जो अभी इसमें भी प्रूव करते हुए दिखा कि ये लड़ाई तब तक मत लड़ना जब तक हमारा योद्धा ना आ जाए, है ना। तो ये चीज़ भी प्रूव कर देता है कि हाँ ये मसीहा टाइप की ही मूवी है, जो हमारा टाइगर श्रॉफ आएगा और उस चीज़ को बैलेंस कर जाएगा आगे जाके। तो कुछ नया तो खैर नहीं है, बट लेकिन मज़ा आएगा। तो टाइगर श्रॉफ की एक्शन मसाला मूवी जानी ही जाती है उसकी एक्शन के ही लिए, तो आप
स्टोरी से खैर इतनी ज़्यादा उम्मीद मत करना, बट ऐसा भी नहीं कि बेकार होगी, पूरी आई कैची होगी, पूरी जम के बैठने वाली होगी। खैर अभी तो ट्रेलर का आना बाकी है, ट्रेलर में क्या क्या देखने को मिल सकता है, शायद वहाँ से कहानी पलट जाए, क्योंकि अभी टीजर में दिखाया ही क्या है, कुछ नहीं दिखाया है। जो अभी VFX और एनिमेशन का जो लग रहा है कुछ क्लियर ढंग से समझ में ही नहीं आ रहा है, तो ट्रेलर में अभी देखते हैं क्या होता है। बट यहाँ तक एक बार मैं बताऊँ तो टीजर ऑसम है, टीजर दमदार है, एक्शन मूवी का मैं फ़ैन हूँ और इसमें एक्शन की बिल्कुल कमी नहीं देखने को मिलेगी। ज़बरदस्त तरीके से एक्शन डाला जाएगा, मसाला डाला जाएगा, मास डाला जाएगा। खैर हम गणपत मूवी का वेट भी इसलिए ही कर रहे थे क्योंकि हमें तड़कता भड़कता एक्शन ही चाहिए और टाइगर श्रॉफ से उम्मीद भी हमें यही रहती है और इस उम्मीद पर पूरा खरा उतरने वाला है ये बंदा। दूसरा मैं कहूँगा ना, एक्टिंग में सुधार आ रहा है और बहुत ज़बरदस्त सुधार आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि यस हम एक इवेल्यूटेड टाइगर श्रॉफ को देख रहे हैं, जो एक हीरोपंती वाला टाइगर श्रॉफ था, जो एक बागी वाला टाइगर श्रॉफ था। उसके अलावा हट के देख लो, अगर यहाँ से कंपेयर करते हैं तो इसमें बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है और ज़बरदस्त देखने को मिल रही है। जो इनके द्वारा जो डायलॉग लास्ट में डिलीवर कराया गया ना, कि जब अपनों पर बात आती है तो अपनी हट जाती है, भाई शानदार है। इनकी तरफ से भी डायलॉग डिलीवरी ज़बरदस्त होने वाली है। तो बाकी देखते हैं, टीजर तो मुझे ऑसम लगा और ये मूवी मुझे, मैं अगर अजम्पशन सेट करूं तो यस 400 करोड़ इसके कहीं नहीं गया। 400 करोड़ तो बनते ही बनते हैं। अगर साउथ में ये अच्छी पकड़ बनाती है, ओवरसीज़ में अच्छी पकड़ बना लेगी, तो ये 500 करोड़ भी प्लस हो जाएगी या मे बी 600 करोड़ भी पहुंच जाएगी। लेकिन यस मिनिमम सेट करते हैं 400 करोड़ और नॉर्थ बेल्ट में, हिंदी बेल्ट में इसकी सॉलिड पकड़ रहेगी। तो आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों ने टीजर देख लिया तो आपको कैसा लगा और क्या ये मूवी कितना बिजनेस कर सकती है? मैं मान के चल रहा हूँ 400 करोड़। आपकी क्या राय है नीचे कॉमेंट बॉक्स पर जरूर बता के जाना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।